गुड मॉर्निंग बच्चों, देयर इज क्लास फिफ्थ ऑनलाइन वीडियो, द चैप्टर इज सेकेंड एंड द वीडियो विल बी रिकमेंडेड इन पार्ट सेकेंड। हमने पहले फर्स्ट पार्ट में जो भी कुछ पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। अब आपको कुछ फिगर देखकर याद आ रहा होगा कि हमने पार्ट फर्स्ट में ये जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था एडॉप्टेशन, तो इसमें हमारा जो शब्द है हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, तो आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से याद आपको दिलाती हूँ कि हैबिटेट जो होता है उस नेचुरल क्लाइमेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एनिमल सर्वाइव करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अलाइव रहता है या उस अपने पूरे जीवन चक्र को पूरा करता है, उसे उस एनिमल का हैबिटेट कहते हैं। और उस हैबिटेट में रहने के लिए जो एनिमल जो एक स्पेशल क्वालिटी डेवलप करते हैं उसे एडॉप्टेशन कहते हैं। तो हमारे नेचुरल हैबिटेट में हमारे फॉरेस्ट हैबिटेट या हमारे डेजर्ट हैबिटेट, पोलर रीजन एंड माउंटेन हैबिटेट, ये सभी क्या है हमारे, ये हमारे ओशन हैबिटेट्स या फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। तो इसके बारे में हमने अपने पार्ट फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपने देखा। जिसको ना समझ में आए वो दोबारा से वीडियो देख लें और समझिए कि हैबिटेट में क्या होता है, कौन से जीव रहते हैं। अब हम बात एडॉप्टेशन की भी हम बात कर चुके हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट जिसमें रहने के लिए कोई एनिमल अपना एक स्पेशल फीचर डेवलप करता है उसे एडॉप्टेशन कहते हैं। तो एडॉप्टेशन लाइक फीचर इस तरह से कि जैसे हमारा सबसे पहले बॉडी कवरिंग, अलग अलग जो एनिमल्स उनकी बॉडी कवरिंग अलग अलग होती है, जो उनके उनके हैबिटेट में रहने के लिए उनको उससे बहुत फायदा मिलता है। जैसे हमारी जो स्नेल जो छोटा सा जीव है, इसके पास एक आउटर लेयर काइटिन की कवर होती है, तो ये अपने आप को इससे कवर कर लेता है, कभी कोई खतरा एक्सीडेंट या किसी भी चीज़ में कवर कर लेता है और यह आसानी से एनिमीज से बच जाता है। इसी तरह हमारे टॉर्टोइस भी है या हमारे जो बड़े एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी फर से ढकी होती है, तो ये क्या कर ये लोग क्या इसमें क्या होता है, इनकी जो फर से जिनकी बॉडी ढकी देती है, ये इनकी बॉडी इसको गर्म रखती है ठंडे वेदर में, ये इनको गर्म रखती है, तो ठंडे वेदर के जानवरों में फर पाया जाता है। उसके बाद हमारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स में फीदर पाए जाते हैं, फ्लाइट फीदर्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं, बॉडी फीदर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को कवर करते हैं, और ये डाउन फीदर्स होते हैं जो उन्हें उड़ते समय दिशा बदलने और गर्म रखने में सहायता करते हैं। और हार्ड बॉडी कवरिंग होती है कुछ कुछ एनिमल्स की, जैसे हमारा कॉकरोच, उसमें काइटिन की हार्ड बॉडी कवरिंग होती है जो इसको सुरक्षा देती है किसी भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से कि इसकी बॉडी को कोई हार्श ना आए, हार्म ना हो। पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग अब हम इसको रिवाइज एंड रिकॉल को कॉल करेंगे, तुरंत इसको मतलब पढ़ेंगे, क्योंकि पीछे चैप्टर में इसको हर पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव इन रिप्रोड्यूस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वो एनवायरमेंट, वो वातावरण जहाँ पर एक एनिमल नेचुरली रहता है, तो सभी को पता है कि ये हो सकता है क्या है? ये है हैबिटेट, क्योंकि हैबिटेट में ही एनिमल नेचुरली रहता है। तो आप लोग इसको कॉपी में बुक में फिल करके पोस्ट करेंगे, आप अभी भी इसको तुरंत के तुरंत भर सकते हैं कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा है नेचर इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल, इसे हम कहते हैं हैबिटेट। हमारा दूसरा क्वेश्चन द बॉडी कवरिंग ऑफ अ क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल की बॉडी कवरिंग जो है वो हम आपको ये देखिए यहाँ पर पढ़ाया गया है कि ये स्केल से ढकी रहती है, स्नैक्स क्रोकोडाइल लिजार्ड की बॉडी स्केल से ढकी होती है, तो हम यहाँ भरेंगे स्केल्स। और द बॉडी कवरिंग ऑफ अ स्नेल, तो ये देखिए हमारी जो शेल है उसे दो बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज टर्टल टॉर्टोइस स्नेल, वो शेल से ढके रहते हैं, तो हम यहाँ सेकंड थर्ड में क्या भरेंगे, बिल्कुल सही, स्नेल भरेंगे, शेल भरेंगे। और उसके बाद द फीचर्स द हेल्प बॉडी टू फ्लाई, तो जो वो फीचर्स जो बॉडी बॉडी और बर्ड को फ्लाई करने के लिए हेल्प करता है वो हमारा क्या है, फ्लाइट फीदर्स जो है वो हमारे वो द फीदर्स दैट हेल्प बर्ड टू फ्लाई, तो अरे बर्ड्स टू फ्लाई, तो बर्ड्स को उड़ने में कौन सी पंख सहायता करती है, एग्जैक्टली फ्लाइट फीदर्स सहायता करती है। तो हम क्या करेंगे वहां पर फ्लाइट फीदर्स यहाँ पर भरेंगे। चलिए ये तो हो गया रिकॉल, हमने पुराने चैप्टर को रिकॉल किया, हमने उसके ऊपर रिवाइज किया, अब हम बात करते हैं आगे।
ब्रीदिंग ऑर्गन्स। तो एडाप्टेशन में पहले तो अभी अभी हम बात कर रहे थे स्किन की कि ब्रीदिंग ऑर्गन से अरे सॉरी जो स्किन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्किन होती हैं उन पे कवरिंग होती है उससे वो बढ़िया से अडॉप्ट होकर वातावरण को अडॉप्ट कर सकते हैं, वो स्पेशल फीचर के कारण ही वो वातावरण में आराम से रह सकते हैं। तो अब सबसे पहले उसके बाद हम क्या ब्रीदिंग ऑर्गन कि जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहां पर रिस्पायर कैसे करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी ये बात बताई कि जीओ में रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है उसमें उस रिस्पायरेशन द्वारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और बॉडी के विभिन्न अंगों को काम कार्य करने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन वहां पर यूज होती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बॉडी से बाहर चली जाती है। सभी अलाइव जो एनिमल होते हैं जितने भी जीवित जंतु हैं जो जिंदा हैं वो रिस्पायर जरूर करेंगे, उनको बॉडी में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना ही पड़ेगा। तो अब रिस्पायर करना है तो अब कुछ तो पानी में रहते हैं, मान लीजिए जो हवा में रहता है वो कैसे रिस्पायर करता है या जो पानी में रहते हैं वो कैसे रिस्पायर करते हैं या हम लोग कुछ में रिस्पायरेशन सिस्टम दिया होता है किस में नहीं दिया होता। जैसे हमारे में डेवलप्ड रिस्पायरेशन सिस्टम हमारे फेफड़े हमारी बॉडी में दिए गए हैं, मैमल्स में फेफड़े दिए गए हैं, इट मीन्स मैमल्स फेफड़े डेवलप होते हैं। तो अलग अलग अब जिन जानवरों में नहीं दिए हैं रिस्पायरेशन सिस्टम नहीं डेवलप है तो वो लोग कैसे सांस लेते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले कुछ बात करेंगे स्किन की। तो बहुत से जानवर जो वो स्किन से सांस लेते हैं, जैसे हमारा अर्थवार्म हो गया, ये फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे जमीन के अंदर रहने वाले जीव हैं जो छोटे जीव कहने का मतलब है, या एनिलिडा, जैसे केचुआ हमारा एनिलिडा फाइलम से आता है, तो इसी तरह से छोटे छोटे फाइलम जो छोटे फाइलम के या जमीन में रहने वाले ज़्यादा डेप्थ में रहने वाले मोस्टली इसके साथ लेते हैं, जैसे हमारा अर्थवार्म तो है ही है, उसके बाद लीच हो गया, तो इस तरह से ये लोग स्किन से सांस लेते हैं। अब कैसे सांस लेते हैं, जिनकी गीली स्किन होती है इनकी मॉइस्ट स्किन में पोर्स होते हैं, जैसे हमारी स्किन में पोर्स होते हैं इनकी स्किन में पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स के द्वारा ऑक्सीजन जो है वहां पर गैसों का एक्सचेंज वहां पर उनकी गीली स्किन के द्वारा हो जाता है। और इसी तरह एक फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन वेदर इनसाइड वाटर, आपको मैंने एक बात बताई थी पीछे कि फ्रॉग जो है वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, ये नाक इसमें जो है मुंह से सांस लेने की भी प्रक्रिया होती है और इसके स्किन द्वारा भी ये सांस लेता है, तो इसकी स्किन में होल्स होते हैं, तो जब ये पानी में रहता है तो उन होल्स के द्वारा पानी शरीर के अंदर बाहर आता जाता रहता है जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जब ये लैंड पे रहता है तो ये मुंह के द्वारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, हवा का आदान प्रदान करता है, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियंस है वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। अब बात करेंगे बॉडी सरफेस की, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गन, माइक्रोस्कोपिक की अगर हम आप बात करें तो वो ऑर्गन अरे वो एनिमल या वो जीव जंतु ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से तो नहीं दिखाई देते लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। अब गिल्स की बात करें, गिल्स जो है मोस्ट एक्वाटिक एनिमल जो है वो गिल्स द्वारा सांस लेते हैं, गिल्स यानी गलफड़े, मुंह में पानी भर के और पानी वापस छोड़ते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन जो है बॉडी द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर पानी में घुली ऑक्सीजन जो है वो अब्सॉर्ब हो जाती है और वो सांस ले पाते हैं। अब स्पेरिकल से जितने भी हमारे इंसेक्ट छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में, ये देखिए, अच्छा ये देखिए, सबसे पहले तो हमारी एनेलिडा जो हैं ये इनकी बात करें या केचुओं की बात करें तो ये मॉइस्ट गीली मिट्टी में रहते हैं और वो गीला इनकी बॉडी में जो गीली मिट्टी या पानी का कॉम्बिनेशन होता है उसी द्वारा वो वहाँ से इनकी गैसेस एक्सचेंज होती है। अब इसके बाद हमारे अमीबास हैं ये स्किन द्वारा सांस लेते हैं, हमारे ये देखिए मछली के गिल्स बने गलफड़े, तो ये मुंह द्वारा पानी अंदर जाता है और गिल्स द्वारा बाहर जाता है, इस तरह बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की, देखिए इनमें एक स्पेरिकल्स होता है, इनकी बॉडी के ऊपर तो काइटिन की परत होती है जो हल्की कड़ी होती है और उसके नीचे जो है इनकी बॉडी होती है उसमें स्पेरिकल्स पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन या हवा का आदान प्रदान इनकी बॉडी में ऑक्सीजन यहीं से आता जाता है, इसीलिए आप कभी भी किसी कोई इंसेक्ट अगर कहीं बैठा है अब उसको ध्यान से देखिए तो उसकी बॉडी जो है फूलेगी फिर कम होगी, फिर फूल की बड़ी होगी फिर कम होगी, इस तरह से इनकी बॉडी होती है। तो ये क्या होता है उनके स्पेरिकल्स में हवा भरती फिर हवा निकलती है, हवा भरती हवा निकलती है। ओके,
अब देखिए सब बात करेंगे लंग्स की। जैसे जैसे मैं अभी अभी बता रही थी कि हमारे पास जो है वेल डेवलप्ड रिस्पायरेशन सिस्टम होता है, तो एनिमल्स सच है जितने भी रेप्टेलियाज होते हैं या जितने भी बर्ड्स होते हैं या जो मैमल्स हैं उनके पास जो है डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये हमारा जो फेफड़े वाला जो सिस्टम है सांस लेने वाला डेवलप रिस्पायरेटरी सिस्टम है, और ब्रीदिंग ऑर्गन हमारे पास है जिससे हम नोज द्वारा एयर अंदर करते हैं, फिर दोनों फेफड़े में जाती है और फिर ब्लड द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े को दे दिया जाता है जो नाक द्वारा बाहर कर देते हैं। तो इसी तरह से रेप्टिलियाज में भी डेवलप ऑर्गन होते हैं, या हमारे मैमल्स हुए या हमारे जितने बर्ड्स हुए सब में ये ऑर्गन होते हैं, वहाँ से सांस लेते हैं। और अभी अभी आपको बताइए कि फ्रॉग क्या करते हैं, जब पानी में होते हैं तो स्किन द्वारा सांस लेते हैं, और जब लैंड पे होते हैं तो वो मुंह द्वारा सांस लेते हैं। उनमें जो है पेयर ऑफ लंग होता है, उनमें एम्फीबियंस में पेयर ऑफ लंग रहता है तो मुंह से सांस लेते हैं, और लेकिन जब पानी में रहते हैं तो वो स्किन द्वारा सांस लेते हैं। रिस्पायरेटरी एडाप्टेशन के बाद एनिमल्स में मूवमेंट एडाप्टेशन पाया जाता है। ऑर्गन मूव अगर कोई भी एनिमल मूवमेंट द्वारा ही भोजन तलाशता है या शेल्टर तलाशता है या अपने एनिमीज से बच पाता है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत से जानवर दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, जो हमारे मीट ईटर एनिमल्स या ओमनीवोरस एनिमल्स या कार्निवोरस होते हैं वो दूसरे जानवर का मीट खाते हैं, तो उसके लिए उनको शिकार करना पड़ता है, तो उसके लिए उनमें मूवमेंट एडाप्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो एनिमल्स में किस प्रकार का मूवमेंट होता है ये हम अब पढ़ेंगे। देखिए, एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, जैसे अभी मैंने बताया कि भोजन और शेल्टर की तलाश में जो है एनिमल्स उनको या अपने एनिमीज से छुपने के लिए उनको मूवमेंट उनकी बॉडी में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा लैंड एनिमल या हमारे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनमें क्या होता है, मूवमेंट के लिए चार पैर होते हैं, हम जिनमें अगली दो पैरों को हम फोर लिम्स कहते हैं और पिछली दो पैरों को हिंड लिम्स कहते हैं। तो हमारे बहुत से जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं लगभग सबके चार पैर होते हैं, आगे के दो पैर फोर लिम्स और पीछे के दो पैर हिंड लिम्स कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे जानवर हैं उनमें चार से ज्यादा पैर भी होते हैं। यह जो हमारा स्नेल है इसमें एक ही पैर होता है और ये अपनी बॉडी को आगे पीछे करके ग्लाइडिंग करता है। यह सरकता है, ये देखिए, स्नेल्स आर स्लज ग्लाइड ऑन अ लार्ज सिंगल फुट, ये अपने एक लंबे अकेले पैर के द्वारा ही ग्लाइड करता है। तो ये दे सेक्रेट अ स्टिकली सब्सटेंस दैट हेल्प फ्रॉम इन ग्लाइडिंग, और इनके लिए इसमें एक स्टिकली एंजाइम या स्टिकली सब्सटेंस ये सेक्रेट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। सेक्रेट टू प्रोड्यूस एंड रिलीज, मतलब उत्पन्न करते हैं और रिलीज करते हैं। तो स्नेल क्या है, एक ही पैर के द्वारा मूव करता है। अब इक्वाटिक एनिमल्स तो सभी जानते हैं कि पानी में रहने वाले जितने जंतु हैं उनमें क्या होते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, और उनमें पूंछ होती है, तो फिन्स उन्हें तैरने में सहायता करती है, जो पूंछ होती है वो उनको दिशा बदलने में सहायता करती है। पानी में अगर उनको दिशा बदलनी हो तो वो पूंछ के द्वारा बदलते हैं। और जो पानी में जितने इक्वाटिक मैमल्स हैं जैसे कि हमारे व्हेल्स हैं या डॉल्फिन्स हैं, उनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई होकर फ्लिपर्स बन जाते हैं, जैसे नाव में फ्लिपर्स लगे होते हैं, चप्पू लगे होते हैं, वैसे उनके हाथ पैर आगे के फोर लिम्स वो फ्लिपर्स बन जाते हैं जो उनको तैरने में सहायता करते हैं। इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस वो क्या है, बेबेट फीट उनके पास होता है। बेबेट फीट मींस जैसे हमारे हाथों पैरों की उंगलियों के बीच में खाली जगह होती है, तो उनके हाथों पैरों की उंगलियों के बीच में एक जाल जैसी संरचना होती है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए एक जाल जैसी संरचना है जो पानी में इसको फ्लिपर्स कहे या फिन्स कहे या ये बेबेट फीट जो है पानी में इनको तैरने में सहायता करती है, और जमीन पर जब ये चलते हैं तो ये इन्हें जमीन में चलने में सहायता करती है। देखिए, उनके उंगलियों के बीच में इस प्रकार का ये जाल का स्ट्रक्चर है, सभी में जाल का स्ट्रक्चर है, इसे हम बेबेट फीट कहते हैं। तो हमारे एम्फीबियंस जो जितने भी हैं वो बेबेट फीट की सहायता से, चाहे हमारे एलिगेटर्स हों या क्रोकोडाइल है या फ्रॉग हैं, ये बेबेट फीट की सहायता से पानी में तैरते हैं और जमीन पर चलना हो तो आसानी से चल सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो जैसे ये हमारे
ये ऑक्टोपसेस हैं या ये स्क्वायर्ड ऑक्टोपसेस जो वाटर एनिमल हैं, ये क्या करते हैं, जेट जेट प्रोपल्सन से, जेट मींस जैसे हमारे फाइटर जेट होते सीधे ऊपर की ओर उड़ते हैं, तो इनका मूवमेंट जो होता है ये अपनी बॉडी को पूरा फैलाते हैं और नीचे की तरफ झुकाते हैं, तो प्रेशर से ये ऊपर की या साइड ऊपर की ओर जाते हैं, तो इस और जो इनके फिर हाथ पैर जो हैं फिर ऊपर की ओर फैलते हैं, तो ये एक हिसाब से जो ऊपर नीचे होकर पानी में तैरते हैं, ये सीधा नहीं तैरते, ये ऊपर नीचे होकर पानी में तैरते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, दे टेक इन वाटर एंड एक्सपेल इट, ये पानी को अपनी बॉडी के अंदर कवर करते हैं और फिर पानी को रिलीज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वाटर एक फोर्स उनको एक फोर्स देता है, तो उस फोर्स से वो बैकवर्ड एक्सप्लाइट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम मूवमेंट में इंसेक्ट, तो इंसेक्ट्स के बारे में सभी जानते हैं कि जिसके 6 पैर होते हैं वो हमारे एनिमल्स इंसेक्ट कहलाते हैं, इंसेक्ट आर स्मॉल एनिमल विथ 6 लेग्स, तो जिन एनिमल्स के 6 पैर होते हैं वो इंसेक्ट्स कहलाते हैं। तो इंसेक्ट्स में मूवमेंट के लिए मोस्टली इंसेक्ट जो है उनके पास पंख होते हैं, वो पंखों की सहायता मूव करते हैं, जैसे हमारे बटरफ्लाई हो गया या हनी बी है, तो ये सभी क्या है, पंखों की सहायता से मूव करते हैं। लेकिन जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं, दोज एनिमल हु डू नॉट हैव विंग्स, जैसे कि हमारे स्पाइडर हो गए, बर्ड बग्स हो गया या हमारे एंट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, अपने पैरों की सहायता से मूव करते हैं, क्योंकि उनके 6 पैर तो दिए ही होते हैं, तो वो अपने पैरों की सहायता से मूव करते हैं। और ये आपको ग्रास होपर के बारे में, इंसेक्ट सच एज ग्रास होपर होप विद द हेल्प ऑफ देयर हिंडलिंग्स, तो वो अपने पिछले पैरों की सहायता से चलता है और या फिर उड़ता है। तो इसके बाद हम बर्ड्स के मूवमेंट की बात करेंगे, तो जो चिड़िया हैं आपको पीछे भी अभी बताया गया है एडाप्टेशन में, बॉडी एडाप्टेशन में ही उनके पास फ्लाइट फीडर्स होते हैं, तो इन फ्लाइट फीडर्स में ये देखिए डाउन स्ट्रोक्स और ये अप स्ट्रोक्स, ये ऊपर की तरफ का और ये अंदर की तरफ का आपको फिगर दिख रहा है, तो इनमें जो है ये मसल्स होती है, ये स्ट्रांग मसल्स होती है जो उड़ते समय इनको स्ट्रांग मतलब शक्ति देती है और किसी भी तरह के हार्म से बचाती है, तो इनमें एक स्ट्रांग मसल्स होती है, उसे हम कहते हैं फ्लाइट मसल्स, तो जो ये स्ट्रांग मसल्स कहलाते हैं। ये देखिए, द विंग्स ऑल्सो हैव स्ट्रांग मसल दैट असिस्ट बर्ड इन देयर फ्लाइट, दीज मसल्स आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स, तो इसे हम फ्लाइट मसल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे, ये देखिए बीच में एक कॉन्टेक्स्ट में आपको एक फिगर दिख रहा है बैट का, तो ये बैट जो है ये भी मैमल है, तो बच्चों मैमल उसे कहते हैं जिनमें जो सारे सिस्टम है डेवलप्ड है, जैसे सांस लेने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम, खाना पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, या मैसेंजर के लिए नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो जिनमें डेवलप्ड सिस्टम पाया जाता है उन्हें मैमल कहते हैं। तो जितने भी हमारे मैमल, वो कोई उड़ता नहीं है, उनके पंख नहीं है, लेकिन ये बैट इकलौता ऐसा मैमल है, बैट इज द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकता है, क्योंकि इसके जो 4 लिम्स है वो पंखों में डेवलप हो गए हैं, पंखों में मॉडिफाई हो गए हैं, ये फीदर्स बन गए हैं, उसके जो 4 लिम्स हैं वो फीदर्स में मॉडिफाइड हो गए, फीदर्स बन गए हैं, तो बैट अकेला ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। अब हम बात करेंगे रेप्टिलियास की, तो रेप्टिलियास बच्चों, रेप्टिलिया फैमिली से हमारा रिजाल्ड, एलिगेटर या क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ये सभी क्या रेप्टिलियास से आते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, मूवमेंट ये रेंगते हैं अपने 4 लिम्स की सहायता से या हिंड लिम्स की सहायता से, अपने चारों पैरों की सहायता से ये रेंगते हैं, ये दौड़ते नहीं है, उड़ते नहीं है, चलते नहीं है, ये रेंगते हैं। और स्नेक्स जो है उनके पास तो पैर नहीं होते हैं, लेकिन वो रेंगता है, तो वो कहाँ से रेंगता है, वो अपने स्केल्स की सहायता से रेंगता है। आपको पीछे भी बताया गया कि उनकी बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे मछलियों के बॉडी पे स्केल्स होते हैं, तो फिर ये अपने स्केल्स की सहायता से मूव करता है, दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, तो ये स्केल्स की सहायता से ये रेंग पाता है। अब बात करेंगे ह्यूमंस की, मूवमेंट इन ह्यूमंस, तो सभी को पता है कि हमारे पास 4 लिम्स तो थे, लेकिन वो मॉडिफाई होके हमारे हैंड बन गए हैं, तो हम अपने हैंड की सहायता से नहीं चलते, हम अपने हिंड लिम्ब की सहायता से चलते हैं, जो पीछे के पैर हैं
उनकी सहायता से हम मूव करते हैं। और जो हमारे फोर लिम्स के जो हैंड, जो फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए हैंड बन गए हैं, उनसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को होल्ड करते हैं और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन बच्चों जब अर्ली मैन था तो अर्ली मैन, बहुत से अर्ली मैन जो है वो फोर लिम्स और हिंड लिम्स की सहायता से ही चलते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मॉडर्न एज में मैन आया तो मॉडिफाई होकर उसके जो फोर लिम्स थे वो हैंड में बदल गए और जो हिंड लिम्स थे वो पीछे के पैर, वो उससे चलता है। अब हम बात करेंगे माइग्रेशन की। तो बच्चों माइग्रेशन एक शब्द है, माइग्रेशन की मीनिंग आप थोड़ा सा समझिए कि जब कोई जीव या कोई एनिमल अपनी पूरी जाति के साथ ही एक स्थान को, किसी एक हैबिटेट को छोड़ के दूसरे हैबिटेट में चला जाए और कुछ समय के लिए, तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। जैसे से एग्जांपल हम आपको बताते हैं, साइबेरियन पक्षी हमारे यहाँ आते हैं, साइबेरियन पक्षी उत्तर भारत की नदियों में आके रहते हैं। जब बहुत ठंडी पड़ती है तो साइबेरिया में, हमारे जो हिमालय पर्वत के पीछे साइबेरिया पहाड़ों की श्रृंखला है, तो वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे रहने वाले वाइट बत्तख, सफ़ेद बत्तख जो हैं वो क्रेन्स, तो ये देखिए आपको इसी का माइग्रेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन्स दिखा रहा है। तो ये वाइट वाले जो ये क्रेन्स हैं, सारस पक्षी, ये हिमालय से उड़कर हमारे जो उत्तर भारत की नदियां हैं उन नदियों में आकर बस जाते हैं और वहां रहते हैं। सोचिए ठंडी के मौसम में कितनी ठंडी पड़ती है, तो साइबेरिया में जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती तब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे वो जब वहाँ पे ठंडी पड़ती है तो ये वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये उत्तर भारत के नदियों के पास आ जाते हैं। अब आप यहाँ पढ़िए, द मूवमेंट ऑफ एनिमल इन लार्ज ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च फॉर फूड एंड वार्म इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो जब वहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है तो एनिमल्स के ग्रुप का, एनिमल्स के लंबे ग्रुप के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन और गर्मी के लिए उड़कर जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। तो ऐसे बहुत सी जीव जातियाँ करती हैं। फिलहाल साइबेरियन पक्षी आज भी आते हैं, आप ठंडियों के मौसम में आप न्यूज़ में देखिए तो साइबेरियन पक्षी हमारे बनारस के तटों, बनारस के जितने घाट हैं वहाँ पर दिख जाते हैं, या हमारे पूर्वी बंगाल के तटों पे, नदियों में जहाँ हमारा फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर वाटर बॉडीज हैं वहाँ पर ये दिखाई पड़ जाते हैं। सम बर्ड्स माइग्रेटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो कुछ जो है सीजन टू रिप्रोड्यूस एंड फाइंड फूड, तो जो कुछ बर्ड्स तो माइग्रेट होती हैं अपनी जीव जाति बढ़ाने के लिए और भोजन के लिए, तो या अपने जो उनका पर्टिकुलर हैबिटेट है वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो वो दूसरे स्थान पर जाते हैं वो लोग वहाँ पे, जिससे कि वो जीवित रह सकें। दे यूज़ द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडी, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पहले अपनी बॉडी में, उसके लिए जो उनकी बॉडी में फैट स्टोर होता है, जो भोजन से फैट स्टोर होता है उसी का वो यूज़ करते हैं। जब वो लंबी जर्नीज पे जाते हैं तो वो तो इंसान की तरह हम लोग के जैसे बैग में फूड भर के तो ले नहीं जाते हैं, तो वो लोग जो उनकी बॉडी में फैट स्टोर होता है खाना खाने से, वही फैट का वो यूज़ करते हैं। मीन्स समझ लीजिए वो पूरे रास्ते खाते पीते नहीं हैं, रास्ते में अगर कहीं उनको प्यास लगती तो उतर के पानी पीते होंगे, लेकिन भोजन उनको कहाँ मिलता है, तो वो अपनी फिर जहाँ भी, जब पूरे ग्रुप जितनी देर वो सर्वाइव कर पाते होंगे, वरना फिर वो उसी जगह उतर जाते होंगे जहाँ उनको अच्छा प्लेस दिखता होगा, वहाँ उतर के वो वहाँ रहने लगते होंगे। तो माइग्रेशन में, माइग्रेशन का मतलब है एक पर्टिकुलर हैबिटेट को छोड़कर फूड और शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए दूसरे हैबिटेट में जाना ही माइग्रेशन कहलाता है। साइबेरियन क्रेन्स के बारे में आपको भी मैंने बताया, क्योंकि ये जो है स्नो क्रेन्स है, बर्फ में रहने वाले क्रेन्स है, लेकिन जब बहुत बर्फ वहाँ पड़ने लगती है वेस्टर्न साइबेरियंस में, तो वहाँ पे पक्षी ठंड के कारण मरने लगते हैं, तो फिर वो माइग्रेशन के लिए वो उत्तर भारत के नदियों के पास आ जाते हैं। सम इंसेक्ट्स सच एस मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेटेड ड्यूरिंग विंटर फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, तो कुछ जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं वो कनाडा से मैक्सिको चली जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सी जीव जाती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेटेड होकर जाती हैं। तो आपका जो ये चैप्टर, आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों, आप इसको फिर से पढ़ेंगे और जो भी नहीं समझ में आएगा वो पूछेंगे आपको, नोट्स आपको पहले तो अब आपको इसके साथ एक्सरसाइज दी जाएगी। कोई भी बच्चा आधी फिल एक्सरसाइज ग्रुप में पोस्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैं वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज पोस्ट करूंगी, आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए। जो अगर
उसको ढूंढ के देता है तो उसको अलग से मैं उसका कॉम्प्लीमेंशन उसको मिलेगा, और उसके 2 घंटे बाद मैं आपको फिल करके एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगी, तब आप कॉपी में कर लीजिएगा। लेकिन कोई बच्चा खाली एक्सरसाइज नहीं अपलोड करेगा, ओके। तो सभी लोग इसको, अब ये वीडियो के साथ मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ, आपको एक्सरसाइज मैं पोस्ट कर रही हूँ, तो आप इसको खुद से अपनी सेल्फ जल्दी से जल्दी खोज के और सेल्फ आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए, तो मैं देखूंगी कौन बच्चा ज्यादा समझदार है जो इसको कम्प्लीटली कर लेता। अभी मैं ग्रुप के साथ एक्सरसाइज पोस्ट कर रही हूँ, और कोई भी खाली एक्सरसाइज केवल एक्सरसाइज लिख कर नहीं पोस्ट करे जब तक इसको फिल ना कर ले, ओके। थैंक यू।